स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कोहोम में काम किस तरह कर सकते हैं, हमने देखा था कि कोहोम का इंटरफेस किस तरह का है, हमने देखा था कि कोहोम में फर्नीचर को किस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और उसके टेक्सचर को आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे कि आप किस तरह एक इमेज को इम्पोर्ट करके आप वॉल को खड़ा कर सकते हैं और 2BHK 3BHK फ्लोर प्लान ऐसे चुटकी में बना सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है इम्पोर्ट इमेज, पब्लिक लाइब्रेरी, फर्नीचर, लाइटिंग, किचन एंड बाथरूम। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम ये ग्राउंड फ्लोर का एक प्लान क्रिएट करेंगे जिसका जो 25 फीट बाय 45 फीट का है, तो देखते हैं कि किस तरह से क्रिएट करते हैं। काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग है। आप कोहोम पे जाएंगे और मैंने आपको लास्ट क्लास में इंटरफेस के बारे में बताया था। आप क्या करेंगे, इंपोर्ट इमेज पे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर और ये आपको पूछता है कि आपको यहाँ पर कौन सा इम्पोर्ट इमेज लेना है। आपने यहाँ से आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। आप ओपन करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे ओपन किया तो यहाँ पे जैसे आप इसे ओपन करेंगे, आप जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाता है, एक ड्रॉ और एक ऑटो रिकॉर्ड। हम पहले ऑटो रिकॉर्ड को देखते हैं। आप ऑटो रिकॉर्ड पे आपने क्लिक करेंगे, जैसे आप ऑटो रिकॉर्ड पे क्लिक करते हो तो ये इमेज इस व्यू पोर्ट में आ जाएगी और आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक रूलर है, आप इस रूलर को आपको प्लेस करना है यहाँ पर। आप कहाँ से प्लेस करेंगे, जहाँ पे ये मेरी वॉल है, मैंने इसे यहाँ पे रखा और फिर मैंने इसे यहाँ पे रखा और मैंने यहाँ पे इसे मेजरमेंट दे दिया, तो मेरी जो वॉल का यहाँ पे मेजरमेंट है वो 25 फीट है। जैसे आपने 25 फीट दिया और आपने कंफर्म किया तो यहाँ पे प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। ये क्या करता है कि आपके प्लान को रीड करता है और उसके ऊपर 3D वॉल, विंडो और डोर क्रिएट करना शुरू कर देता है। यहाँ पे आपने देखा कि कुछ ही सेकंड में इसने आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का व्यू दे दिया। आप यहाँ पे आएंगे 3D व्यू में, आपने जैसे ही 3D व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सेम वैसे ही आपको डोर मिल गए, विंडो मिल गए। अगर मैं कंपेयर करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मेरा यहाँ पर ये डाइनिंग एरिया आ रहा है, यहाँ पर ओपन किचन आ रहा है और ये टॉयलेट आ रहा है। तो आप जैसे ही इसे देखेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे मेरा सेम वैसा ही है, डाइनिंग एरिया, किचन है और यहाँ पे टॉयलेट है। आप यहाँ पर आके देखेंगे ये मेरा लिविंग रूम है, ये बेडरूम आ रहा है, फिर टॉयलेट आ रहा है, फिर यहाँ पे बेडरूम आ रहा है। तो आप देखेंगे लिविंग रूम, बेडरूम, टॉयलेट और यहाँ पे आपका सेम बिल्कुल ऐसा कि वैसा क्रिएट करके दे दिया। आप यहाँ पे 2D में आते हैं फ्लोर पे और आप एक बार देखेंगे कि जो हमने क्रिएट किया है क्या वो ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 10 फीट 11 इंच का मेजरमेंट दिखा रहा है, यहाँ पे 7 फीट 2 इंच का मेजरमेंट दिखा रहा है और यहाँ पे 3 फीट 11 इंच का। तो इंच, 1 इंच 2 इंच थोड़ा सा यहाँ पे मेजरमेंट गलत है यहाँ पर, तो आप उसे ठीक कैसे करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे, जब आप इमेज देखेंगे तो ये जो बाहर की दीवारें हैं उनकी थिकनेस ज़्यादा है और अंदर की दीवारों की थिकनेस कम है। तो जो बाहर की दीवारें हैं वो 9 इंच की होंगी और जो अंदर की होंगी वो 5 इंच की होंगी। तो आप क्या करेंगे, आप आएंगे, आपने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप जो थिकनेस है वो मैं इनकी 5 इंच की थिकनेस दे देता हूँ। जैसे आप इधर 5 इंच की थिकनेस देंगे तो थोड़ा सा आपको वॉल को मूव करना पड़ेगा यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे मैं जैसे ही वॉल को यहाँ पे थोड़ा सा मूव करूँगा, यहाँ पे मैं इस वॉल की भी थिकनेस 5 इंच कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने देखा ये 5 इंच का हो गया, तो ये आपने देखा कि ये 7 फीट 6 इंच का हो गया है। तो आप यहाँ पे आके देखेंगे तो ये 7 फीट 6 इंच का है, बिल्कुल ठीक एग्जैक्टली आ गया। आप यहाँ पर आके देखेंगे टॉयलेट जो मेरा है यहाँ पे वो 4 फीट का है, तो आपने देखा यहाँ पे ये 4 फीट का यहाँ पर ही आ गया। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये 4 फीट का आ गया यहाँ पर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वॉल की डायमेंशंस को आप ठीक कर सकते हैं। आप आएंगे यहाँ पर, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है यहाँ पे इनकी थिकनेस ज़्यादा है, ये 9 इंच की वॉल है, तो यहाँ पे ये मेरी 9 इंच की वॉल है और यहाँ पे मेजरमेंट है डाइनिंग का 11 बाय 10 फीट का। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे आपको मैन्युअली मूव करना पड़ेगा, इसके अलावा यहाँ पे 10 फीट आ गया तो आपको मैन्युअली मूव करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और ऐसा कोई नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे।
यहां से आप इसे मूव कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप यहां पर, आपने, मैंने आपको चेंज करना बताया कि आप कैसे चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको 3D में बताया कि 3D पे आप काम कैसे कर सकते हैं। आप यहां पे आएंगे, आप 3D में आते हैं तो आप देखेंगे कुछ इस तरह के आपको डोर्स आएंगे, विंडोज आपको यहां पे मिल जाएंगी, और आप क्या कर सकते हैं, यहां पे फर्नीचर प्लेस कर सकते हैं। मैं फर्नीचर कैसे प्लेस करूंगा, आप यहां पे आएंगे फ्लोर पे और मुझे फर्नीचर प्लेस करना है। ये यहां पर, ये मेरे पास डाइनिंग है, किचन है, और यहां पर आप देखेंगे कि कुछ इस तरह का ये लिविंग एरिया यहां पर आ गया। आप सबसे पहले आप आते हैं और आप रखना चाहते हैं यहां पर एक डाइनिंग टेबल, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, आप डाइनिंग टेबल रखना चाहते हैं, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपको डाइनिंग सर्च करना है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे और आपने सर्च किया डाइनिंग टेबल, और यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल को आप नीचे नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे डाइनिंग टेबल मिलेगा। आप नीचे आएंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे डाइनिंग टेबल अवेलेबल है, आपने क्लिक किया, और आप इस तरह से डाइनिंग टेबल सेट कर सकते हैं। आप रोटेट करके रखना चाहते हैं तो आप ऐसे रोटेट कर, तो यहाँ पे आपका डाइनिंग यहाँ पर आ गया। आप यहाँ पे कोई WC रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आपने टाइप किया WC, जैसे आप WC टाइप करेंगे तो यहाँ पर ही आपका WC आ गया। आप इसे रोटेट करके रख सकते हैं। आप यहां पर आएंगे, यहां पर मुझे बेड रखना है तो आप बेड रख सकते हैं, तो आपने यहां पे क्लिक किया, यहां पे आप देख रहे हैं कि अलग अलग टाइप के बेड आ रहे हैं। आप यहां पे एक बेड इस तरह से आपने बेड क्रिएट किया और यहां पे आपने यहां पे बेड रख दिया, तो देख रहे हैं कि यहां पे मैं बेड रख सकता हूं। आपको फिर एक WC चाहिए यहां पर, तो आप क्या करेंगे, फिर यहां पे आएंगे, आपने WC टाइप किया और यहां पे आप इस WC को यहां पे फिर प्लेस कर सकते। आप इसे रोटेट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं रोटेट करके लगा देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस करता जा रहा हूँ। मुझे फिर यहाँ पे, अगर आपको और कहीं WC चाहिए, अभी नहीं चाहिए, मुझे एक बेड चाहिए, आपको बेड रखना है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास सोफा है। मैं मिडल माउस प्रेस करके इसको इस तरह से पैन कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे बेड है, आप क्या कर सकते हो, फिर बेड रखेंगे यहाँ पर, आपने फिर बेड लिखा यहाँ पर, आपने बेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको फिर बेड अवेलेबल है। जो बेड आप लगाना चाहते हैं आप उसे यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। आपने देखा यहाँ पे मैंने बेड यहाँ पे आ गया, यहाँ पर मैंने यहाँ पे बेड लगा दिया। आपको सोफा टेबल चाहिए तो आप यहाँ पे सोफा रख सकते हैं, आपने यहाँ पे सोफे पे क्लिक किया और यहाँ पे आपने देख रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मेरे पास यहाँ पे सोफा है। यहाँ पे आप सोफा का आप पूरा एक सेट रख सकते हैं, अगर आप पूरा सेट रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं पूरा सेट नहीं रखना चाहता और मैं यहाँ पे, आप नीचे नीचे आते रहेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोफा मिलते रहेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप फॉर एग्जाम्पल आपने ये 2 सीटर सोफा उठाया, आपने, आप इसे यहाँ पे रख सकते हैं। आप इसे इस तरह से कॉर्नर से छोटा कर सकते हैं, आपने एक सोफा यहां पे रखा, यहां पे आपको सोफे की हाइट और विड्थ बताएगा कितने बाय कितने का आपको सोफा चाहिए। आप यहां पे, आप मैं कॉपी करने, आप कॉपी करना चाहते हैं कंट्रोल सी करेंगे तो यहां पर एक और सोफा आ जाएगा। आप उसे कुछ इस तरह से यहां पे प्लेस कर सकते हैं, यहां पे सोफा। आप टेबल लेना चाहते हैं, आप सेंटर टेबल लिखेंगे यहां पर और यहां पे आप एक सेंटर टेबल ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जैसे ही मैं यहाँ पे सेंटर टेबल लिखा तो यहाँ पर ये टेबल आ गया। आपको फॉर एग्जांपल ये टेबल चाहिए तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह के टेबल रख सकते हैं। आप नीचे आएंगे तो आपको और टेबल मिल जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे टेबल मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं टेबल टाइप करता हूँ, आपने यहाँ पे टेबल लिखा, यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के आपको टेबल चाहिए। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप टेबल पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास अलग अलग टाइप के टेबल हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने ये टेबल यहाँ पे प्लेस किया।
आपको एक सोफा और यहां पर चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल सी कर सकते हैं, आप यहां पे प्लेस कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहां पे जैसा मेरा यहां पे ड्राइंग बनी हुई है मैंने इसे यहां पे प्लेस कर दिया यहां पर। तो आपने देखा कि आप किस तरह से ये करेंगे। आप फिर 3D व्यू में देखते हैं कि यहां पे आप 3D व्यू में देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपका, यहां पे मुझे किचन सेट करना है और यहां पे आप देखेंगे कि मैंने किचन ये ओपन किया हुआ है। यहां पे आप यहां पर ये स्लैब को ड्रैग करके आप यहां पे प्लेस कर सकते हैं। आप 3D व्यू में देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपका, आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। यहां पर मैंने इसे रोटेट करके प्लेस कर दिया। तो देख रहे हैं कि यहां पे आप ये मेरा यहां पे रोटेट करके आ गया। तो आप देखेंगे मैंने किचन भी लगा दी यहां पर। आप फिर टॉप व्यू में आएंगे, कैसे आएंगे, आप यहां पे फ्लोर पे आएंगे और मैंने यहां पे किचन सेट कर दिया। ये मेरे पास टॉयलेट आ गया है यहां पर। मैं यहां पे चाहता हूं कि कोई टीवी यूनिट लगाना चाहता हूं, आप यहां पर आएंगे, आप सर्च करेंगे टीवी यूनिट, तो मेरे पास यहां पे टीवी यूनिट सर्च किया हुआ है। आप यहां पे नीचे आएंगे, नीचे नीचे आपको पूरा टीवी यूनिट, आपको यहां पे टीवी यूनिट के अलग अलग डिज़ाइंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये टीवी यूनिट यहां पे प्लेस करना चाहता हूं, आप क्या करेंगे, आपने यहां पे प्लेस किया, आपने इसे रोटेट किया और आपने इसे उठाकर यहां पे प्लेस कर दिया। जैसे आपने इसे यहां पे प्लेस किया आप 3D व्यू पे आएंगे और आप यहां पे रोटेट करके देखेंगे कि मेरे पास किस तरह का आ गया। आप देखेंगे कुछ इस तरह का मेरे पास ये 3D व्यू आ गया यहां पर। तो आप यहां से 3D जो हमने यहां पे आप देखेंगे मेरे पास ये टीवी यूनिट आ गया है। आप क्या कर सकते हैं, लेंथ विड्थ चेंज कर सकते हैं, यहां पर आप देखेंगे आप इसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं, हाइट चेंज कर सकते हैं, जो आप चेंज करना चाहें आप वो चेंज कर सकते हैं। यहां पे एंगल दे सकते हैं, आप स्केल को अगर ऑफ कर देंगे तो यहां पर आप देखेंगे सिर्फ लेंथ ही चेंज हो रहा है, यहां पर आप देखेंगे सिर्फ विड्थ ही चेंज हो रहा है और यहां पर आप देखेंगे सिर्फ हाइट ही चेंज हो रहा है। यहां पर आपने देखा, आप यहां पर आएंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पर यह बना हुआ है, यहां पर मैंने स्केल ऑफ कर दिया है, तो आप सिर्फ लेंथ ही चेंज कर पाएंगे, आप सिर्फ विड्थ ही चेंज कर पाएंगे और आप क्या कर सकते हैं यहां पर इसे मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्लेस कर सकते हैं यहां पे, काफी इजी है। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा। आप चाहते हैं कि सर ये तो काफी बड़ा हो गया, मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, तो आप यहां पर इसका हाइट यहां से मैं कम कर सकता हूं और आप इसे पोजीशन दे सकते हैं कि आप इसे कहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको नहीं चाहिए, आप कहते हैं कि सर पहले जैसा लगाओ तो वैसा ही ठीक है, आप इसे यहाँ से डिलीट करके और आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे टीवी यूनिट अगेन आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं यहाँ पर। आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस करेंगे और यहाँ पर मैं इसे फिट कर सकता। आपने देखा कि मेरे पास यहां पर एक ये टीवी यूनिट आ गया, ये देखिए इजी है यहां पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, सेट करना काफी इजी है यहां पर, मैंने आपको बता रहा हूं। यहां पे आप बाथरूम में आते हैं और फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे बाथरूम के अंदर यहां पे एक WC लगाया हुआ है। आप चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ टैब आने चाहिए, यहाँ पे वाश बेसिन आना चाहिए, आप वाश बेसिन आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास वाश बेसिन मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख मैं कुछ इस तरह का वाश बेसिन यहाँ पे लगा सकता हूँ, आप रोटेट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने एक वाश बेसिन यहाँ पे हमने फिट कर दिया, तो कुछ इस तरह का वाश बेसिन। और आप टॉप में जाएंगे जब तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना दूर चाहिए, कितना पास चाहिए आपको, यहां पर आप यहां से इसे प्लेस कर सकते हैं। इजी है, यहां पे हमने वाश बेसिन लगा दिया है, यहां पे हमने ये जिस तरह का सोफा लगा हुआ था हमने यहां पे लगा दिया है। आपको चाहिए कि मैं कोई कारपेट रखना चाहता हूं, तो यहां पर आप देखेंगे कि मेरे पास कारपेट आ जाएंगे। आप यहां पे कुछ कारपेट रखना चाहते हैं तो आप यहां पे कारपेट भी रख सकते हैं, आपने टाइप किया कारपेट तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको कारपेट मिलेंगे,
आप यहाँ पे मैं कोई कारपेट रखना चाहता हूँ, आप उसे रोटेट करना चाहते हैं, आप उसकी लेंथ विड्थ को स्केल करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं ऊपर यहाँ पे इस तरह के। और आप इसे जहाँ प्लेस करना चाहते हैं आप यहाँ पे इसे प्लेस कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि कुछ कारपेट आपके बेड के नीचे आने चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, आप रोटेट करना चाहते हैं कारपेट को, तो यहाँ से आप कारपेट को रोटेट कर सकते हैं, आप इसे यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे लगा रहे हैं। इजी है काफी यहाँ पे काम करना। तो यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी में आपने देखा कि हमने, अगर आप लाइटिंग पे काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लाइट्स हैं। आप यहाँ पे ये यह लाइट पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपको लाइट्स मिलेंगे। मैं यहाँ पे लाइट्स रखना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एक ये यहाँ पे ये लाइट रख दिया। आप यहाँ पे भी एक टीवी यूनिट रखना चाहते हैं, आप वो रख सकते हैं। यहाँ पर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे एक लाइट क्रिएट करना चाहता हूँ, आप रोटेट करना चाहते हैं, यहाँ से आप रोटेट करके रख सकते हैं। यहाँ पे आपको और डिफरेंट टाइप की लाइट्स मिलेंगी। यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह का आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपने यहाँ पर आप आएंगे और मैं चाहता हूँ कि ये लाइट मेरे यहाँ पे प्लेस हो, आप रोटेट कर सकते हैं और आप इसे प्लेस करके यहाँ पे रख सकते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी लाइट्स कैसी नज़र आ रही हैं, तो आप क्या करेंगे, 3D व्यू में जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या देखना है, आपको यहाँ पे ये व्यू देखना है, आपको यहाँ पे लाइट्स नज़र आएंगी। आप इसे रोटेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं यहाँ पे इसे रोटेट करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे इसे, स्टूडेंट आज की क्लास में आपने देखा कि आप किस तरह एक मैप को इंपोर्ट करके उसको एक्सट्रूड कर सकते हैं, 3D मॉडल इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।